हेलो स्टूडेंट्स, लिविंग चैप्टर के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल मशीन। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल मशीन का मतलब ये है कि अगर आप फील्ड में लेवल मशीन द्वारा लेवलिंग करना चाहते हैं और आपको आपके पास ट्राइपॉड है, मशीन है, स्टाफ है, तो सबसे पहले उस लेवलिंग मशीन से हमें लेवलिंग करने के लिए हमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना होगा, यानी कि ट्राइपॉड को इनिशियल हमें कुछ ऑपरेशन से गुजरना होगा जब हमारी मशीन एक्टिवेट होकर वर्क करना स्टार्ट करती है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से ऑपरेशन करने होंगे, तो देखिए टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल मशीन में हमारे मेनली तीन प्रोसेस हैं। सबसे पहला है सेटिंग अप ऑफ लेवल मशीन, यानी ट्राइपॉड पर हम जाएंगे फील्ड में और ट्राइपॉड को हम रख देंगे और उसके ऊपर हम लेवल मशीन को रखेंगे। उसके बाद सेटिंग अप में भी हमारे दो ऑपरेशन हैं, उसका लेवलिंग करेंगे, फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स को हमें करना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सेटिंग अप क्या है। तो देखिए, हमने एक ट्राइपॉड लिया और एक लेवल मशीन ली और हम फील्ड में गए और ट्राइपॉड की लेग्स को हमने फैलाकर और उसके ऊपर हमने लेवल मशीन को रख दिया। तो सेटिंग अप हमारा क्या है, स्थापना हम कर रहे हैं ट्राइपॉड की। तो उसमें हमारे पास दो प्रोसेस हमें करने होंगे, फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट ओवर ट्राइपॉड, यानी ट्राइपॉड के ऊपर हमें इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करना होगा और उसके बाद हमें करना होगा लेग एडजस्टमेंट। तो क्या है फिक्सिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओवर ट्राइपॉड, तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास ट्राइपॉड है, उस ट्राइपॉड को आप उसकी जो लेग्स हैं, थ्री लेग्स हैं, उन तीनों टांगों को, उनकी थ्री लेग्स को आप फैलाकर और उसके ऊपर आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को रख देंगे और फ्लाई नट द्वारा उसे आप क्या करेंगे, फ्लाई नट द्वारा या आपका जो नीचे स्क्रू होता है उसके द्वारा आप उसको कसकर उस लेवलिंग मशीन, उस पर ट्राइपॉड पर आप लेवलिंग मशीन को रख देंगे और उसे फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम करते क्या है, एक हम जनरली जो ट्राइपॉड का ऊपर का हेड है, ट्राइपॉड का जो ऊपर का हेड है वो लगभग हमारी आंखों को देखते हुए, लगभग समतल लगे, उसको देखते हुए हम उसकी जो लेग्स हैं, ट्राइपॉड की जो लेग होंगी, उन ट्राइपॉड की लेग्स को हम कुछ एडजस्ट कर देते हैं जिससे कि हमारा लगभग लेवल में इंस्ट्रूमेंट रखा रहे, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वो लगभग हमारा इसी तरह से प्लेन हॉरिजेंटल उसका हमें आंखों से देखने पता चल जाता है कि हम उसको लगभग हॉरिजेंटल रख दें। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रोसेस, लेवलिंग प्रोसेस। लेवलिंग प्रोसेस भी हमारा दो तरीके से हो सकता है, लेवलिंग बाई थ्री स्क्रू। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो सेटिंग अप करने के बाद हम इसकी करेंगे लेवलिंग। लेवलिंग भी हमारा दो तरीके से है कि यदि किसी लेवल मशीन में तीन फुट स्क्रू है या तीन चार चार फुट स्क्रू है, तो लेवलिंग बाई थ्री फुट स्क्रू, और दूसरा है हमारा लेवलिंग बाई फोर फुट स्क्रू। यानी अगर हमारी लेवल मशीन में तीन फुट स्क्रू है, जनरली तीन ही होते हैं, अगर तीन फुट स्क्रू हैं तो हम किस तरीके से लेवलिंग करेंगे, और चार फुट स्क्रू हैं तो हम लेवलिंग किस तरीके से करेंगे। तो समझते हैं, सबसे पहले तीन फुट स्क्रू, सपोज कीजिए हमारे पास ये तीन फुट स्क्रू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ इस तरीके से होते हैं फुट स्क्रू। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक प्लेट बनाई है, ये हमने किसी मशीन के बॉटम का व्यू ले लिया है और उसमें ऊपर वाली एक हमारी ट्रायंगुलर प्लेट है उसे ट्राइब्रेज कहते हैं, नीचे वाली हमारी ट्रायंगुलर प्लेट है उसे ट्राइबेट कहते हैं। इस ट्राइब्रेज और ट्राइबेट के बीच में हमारे ये फुट स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ पर तीन फुट स्क्रू लगे हुए हैं और इनकी मदद से ही हम क्या कर पाएंगे, लेवलिंग करेंगे। तो लेवलिंग करने के लिए जब हमारे पास तीन फुट स्क्रू हैं, तो उस केस में करते क्या हैं कि सबसे पहले टेलीस्कोप को, दूरबीन को, इन दोनों में से किसी स्क्रू के, दो स्क्रू के हम पैरेलल कर लेते हैं। यानी हमने क्या किया, टेलीस्कोप पर ही क्या लगी हुई है हमारी, लेवल ट्यूब लगी हुई है उसी के बिल्कुल पैरेलल। तो हमने या ये कहूँ कि बबल ट्यूब को हमने दो स्क्रू के पैरेलल कर लिया, या फिर टेलीस्कोप को हमने इन दोनों स्क्रू के पैरेलल कर लिया। फिर क्या करना है हमें, इन दोनों स्क्रू को या तो बाहर की तरफ खींचना है, देखिए इसको कहते हैं बाहर की तरफ खींचना, या आप कह सकते हैं कि आप अपने अंगूठे की डायरेक्शन को इस तरह से बाहर की तरफ खींचें, ऐसे इस तरह से आप खींचेंगे तो वो उस, जब आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो बुलबुला जो होगा, बबल जो यहाँ पर होगा वो बाएं की तरफ भागेगा, बाएं लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा। यानी जब हम इस डायरेक्शन में, यानी बाहर की तरफ अगर हम स्क्रू खींचेंगे, बाहर की ओर खींचना कहते हैं इसे, आउट डायरेक्शन में हम खींचेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा जो इसमें बबल होगा वो बबल हमारा किधर भागेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, किधर आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आता है। और अगर इसका अपोजिट, अगर हम इसको अंदर की तरफ दबाएं इस तरह से, अगर स्क्रूज को हम अंदर की तरफ पुश करेंगे, या आप कह सकते हैं कि स्क्रू को आप इस तरीके से पुश करें, ऐसे देखिए इस तरह से अगर आप पुश कर रहे हैं
अंदर की तरफ, तो उस केस में आपका जो बबल होगा वो राइट डायरेक्शन में, अंदर की तरफ दबाने पर दाएं की तरफ, ये राइट डायरेक्शन में आपका इस बबल भागेगा। तो जिधर आपको बबल को बीच में लेके आना है, अगर आपको बाएं लाना है तो स्क्रू आप बाहर की तरफ खींचेंगे, और अगर आपको बुलबुला दाएं की तरफ चलाना है तो उसे आप अंदर की तरफ दबाएंगे फुट स्क्रूज को। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी। नेक्स्ट पोजीशन में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पोजीशन में जो हमारे तीन यही स्क्रू हैं, उन स्क्रू में इस पर लाने के बाद बबल को मिडिल में ले आएंगे। जब वो मिडिल में आ जाएगा फिर हम टेलीस्कोप को इस एक स्क्रू के पैरल कर देंगे, और फिर दोबारा से हमें बबल को बीच में लेके आना होगा, चाहे इसे आप इस डायरेक्शन में घुमाएं या इस डायरेक्शन में घुमाएं। तो इसे कहते हैं लेवलिंग बाई थ्री स्क्रू। जो हमें तीन स्क्रू दे रखे हैं तो हमें उसकी लेवलिंग कैसे करनी होगी। अगर सपोज कीजिए आपके पास चार स्क्रू हैं, चार लेवल स्क्रू हैं, तब उस केस में आप क्या करेंगे, इसको आप ढंग से, आपको ध्यान से एक एक पॉइंट को लिख देना है कि किस तरीके से हमारा बुलबुला बाहर की तरफ आया, कब हमें अंदर की तरफ हमें करना होगा। अगर अब हम बात करते हैं लेवलिंग बाय फोर स्क्रू, अगर आपके पास चार स्क्रू हैं तब क्या करेंगे, ये हमारे पास चार स्क्रू हैं, फुट स्क्रू किसी मशीन में चार हो सकते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, बबल ट्यूब को इन दोनों स्क्रू के पैरेलल लाके वही प्रोसेस, आप उसी प्रोसेस के थ्रू बबल को बीच में लेके आएंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन में इन दोनों के अलावा कौन से स्क्रू बचे, ये दोनों बबल को आप इस तरह से ले आएंगे और फिर दोबारा से मिडिल में लेके आएंगे। तो स्क्रूज को अंदर या बाहर की तरफ आप चलाकर इनको आप कैसे कर सकते हैं, बाएं या दाएं के कॉन्सेप्ट से आप इनको बिल्कुल बबल को मिडिल में ला सकते हैं। आपको ऐसे तुक्के में नहीं घुमाना होता कि स्क्रू कहीं में भी घुमा रहे हैं कि तुक्के में आ जाएगा, तुक्का नहीं है इसका, ये फिक्स सिस्टम है। अगर आप स्क्रूज को अंदर की तरफ चलाएंगे तो बुलबुला हमारा राइट साइड में आएगा, और बाहर की तरफ खींचेंगे तो वो लेफ्ट साइड में आएगा। अब जब हम लेवलिंग कर देंगे, तो लेवलिंग हम करते क्यों हैं, देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले, लेवलिंग का कोई भी स्टूडेंट यूज़ करने से पहले उसकी मशीन को ठीक हॉरिजेंटल कंडीशन है, ठीक लेवल में होना आवश्यक है, तभी जाके वो ठीक हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन हमारी प्रोवाइड कर सकती है। उसके लिए हमें लेवलिंग प्रोसेस को करना ही पड़ता है। अब लेवलिंग हमारे दो तरह से होगी, लेवलिंग बाई थ्री फुट स्क्रू, लेवलिंग बाई फोर फुट स्क्रू। उसके बाद बात करते हैं हम एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स। ये क्या चीज़ है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक लेक्चर मैंने स्पेशल फोकसिंग ऑफ टेलीस्कोप या एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स पर बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेके लिए। अगर यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स क्या है। देखिए अब इंस्ट्रूमेंट को हमने ट्राइपॉड लगाया, इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर कस दिया, फिक्स कर दिया, उसके बाद हमने उसकी लेवलिंग कर ली, बबल बीच में आ चुका है, यानी मशीन हमारी ऑपरेशन के लिए रेडी है। उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि ये जो टेलीस्कोप है उसमें यहाँ पर ये वाला जो हमारा पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम, और डायफ्राम हमें कैसा दिखाई देना चाहिए, इस तरह से हमें उस डायफ्राम के हेयर दिखाई देने चाहिए, लेकिन हमें उसके हेयर नहीं दिखाई दे रहे, तो इसे कहते हैं पैरेलेक्स ऑफ आईपीस। आईपीस का हमें निलंबन हो रहा है, आईपीस हमें नहीं दिखाई दे रहा, आईपीस पर लगा हुआ जो डायग्राम है आईपीस के थ्रू हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स करते हैं। दूसरा, जैसे हमने देखा यहाँ पर बाहर हमारा कोई स्टाफ लगा हुआ और स्टाफ ही हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो हमारा क्या है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट लेंस की फोकसिंग करनी होगी। तो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स में हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक तो फोकसिंग ऑफ आईपीस, एक तो आईपीस की फोकसिंग करेंगे, और दूसरा हमारा है फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी दो प्रोसेस में भी है, फोकसिंग ऑफ आईपीस आप लिख लेना, फोकसिंग ऑफ आईपीस एंड फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। तो फोकसिंग ऑफ आईपीस हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप को आसमान की तरफ इस तरह से ऊपर की तरफ टिल्ट कर लेंगे और सामने सफ़ेद कागज़ लगा देंगे। सफ़ेद कागज़ लगाने के बाद आईपीस को हम इस तरीके से चलाएंगे, तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि हमें डायफ्राम पर बने हुए हमारे जो क्रॉस वायर हैं वो हमें क्लियर दिखाई नहीं दे जाते। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस स्टाफ को भी आपको क्लियर देखना है, तो स्टाफ को क्लियर देखने के लिए क्या करेंगे, हम ये फोकसिंग स्क्रू को चलाएंगे, और फोकसिंग स्क्रू हम तब तक चलाते रहेंगे, ये हमारे टेलीस्कोप के राइट साइड में होता है, और उसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये स्टाफ हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो ये प्रोसेस है हमारा पूरी, जब हम इंस्ट्रूमेंटों से चलाएंगे ट्राईपॉड पर, उसे फिक्स कर देंगे, उसकी लेवलिंग करेंगे, लेवलिंग बाद उसकी एलिमिनेशन पैरेलेक्स करेंगे, अब हमारा इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऑपरेशन, कोई भी रीडिंग पढ़ने के लिए रेडी होगा। तो इसे ही कहते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल मशीन। जब भी हम कोई मशीन, जितनी भी स्टेशन पर हम मशीन को रखेंगे, हर बार हमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट हमें करना होता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा ऑपरेशन है, जिससे मशीन से काम करने से पहले हमें करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं मेरे लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती